नमस्कार। आज के इस मोटिवेशनल वीडियो टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र जोधपुरिया, मोटिवेशनल स्पीकर, और आज हम एक ऐसा अपने जीवन से संबंधित एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सोच हमारे जीवन से संबंधित जो हम सोचते तो हैं लेकिन वास्तव में हकीकत में वो नहीं होती। एक ऐसी दीवार जो दीवार इतनी बड़ी है कि वो किसी भी स्पोर्ट से, अणुबम से इतनी आसानी से नहीं टूटती है, लेकिन वो दीवार वास्तव में होती ही नहीं। वो दीवार है कौन सी? वो दीवार है हमारे सोच, हमारे विचारों की दीवार, हमारी धारणाओं की दीवार। ये दीवारें हम अपनी सोच के कारण खुद ही पैदा करते हैं और उसे खुद ही इतनी मजबूत बनाते हैं। एक कहानी, एक परिस्थिति, एक घटना हमारे जीवन में एक नया बदलाव ले आती है, एक नया मोड़ ले आती है। तो इन कहानी, इन घटनाओं का हमारे जीवन में विशेष महत्व रहा है, और खास करके मोटिवेशनल जगत में तो कहानी और किस्सों का अपना अलग ही महत्व है, अपना अलग ही अंदाज है, अपना अलग ही रुतबा है। तो एक ऐसी कहानी मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। शायद वो कहानी किसी और की नहीं, हमारे खुद की है। एक बार एक ऑफिस में सुबह सुबह हर कर्मचारी के डेस्क पर एक पत्र मिलता है और उस पर लिखा हुआ है कि आपको रोकने वाला आपकी किस्मत में जो राहु का काम कर रहा था, आपकी ग्रोथ को रोकने वाला आपके पर्सनल प्रोफेशनल दिक्कतों को पैदा करने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब प्रत्येक कर्मचारी ने ये पत्र पढ़ा तो कुछ देर के लिए उन्हें अचरज हुआ और फिर सबके चेहरे पर एक खुशी की लहर सी दौड़ आई। चलो अच्छा हुआ आज उसका काम तमाम हो गया, और जिसने हमें इतने दुख और तकलीफ दी वो अब हमारे रास्ते से हट गया। लेकिन दूसरी जो उनके चेहरे पर भावनाओं की लकीर थी वो थी हैरानी की कि आखिर वो था कौन, उसे मैं देखता हूँ या आखिर वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं खुश हूँ। और उस पत्र में यह भी लिखा हुआ था कि आप उसके अगर अंतिम दर्शन करना चाहते हैं तो फला जगह पर इतने बजे आप पहुँच जाएं। तो उनके मन में ये भी खुशी थी कि चलो अब उसके अंतिम दर्शन कर लिए जाएं, तो सभी निश्चित समय पर निश्चित जगह पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर एक बड़ा बक्सा रखा होता है और प्रत्येक कर्मचारी बारी बारी से उस बक्से तक जाता हुआ खुश नजर आता है। जो ही बक्से को खोलकर देखता है तो एकदम से हैरान, चौकन्ना और भौंचक्का रह जाता है और मायूस होकर लौट आता है। किसी से कुछ बोलता नहीं है। प्रत्येक के साथ यही चीजें दोहराई जाती हैं और प्रत्येक इसी सिचुएशन के अंदर मायूस होकर अपने जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। आप जानना चाहते हैं कि उस बक्से के अंदर क्या था? शायद आप जानते हैं, क्योंकि ये कहानी मुझे लगता है आपने काफी बार सुन रखी है और सुन भी रखी है और शायद काम भी किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूँ। अगर नहीं किया तो आज का दिन हमें मिला ही क्यों है? काम करने के लिए ही तो मिला है। आज से ही हम शुरुआत कर दें। कौन सा जीवन एक क्षण के लिए रुक गया है या एक दिन में चला गया है? तो उस डिब्बे के अंदर था, उस बक्से के अंदर था एक शीशा लगा हुआ जिसके अंदर खुद की तस्वीर नजर आती थी, जिसका मोरल ये था कि हमें रोकने वाला और कोई नहीं, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने वाला और कोई नहीं, हमारी ग्रोथ रोकने वाला और कोई नहीं, वो हम खुद हैं। खास करके उस ऑफिस में कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि प्रत्येक कर्मचारी
एक दूसरे पर दोष देने में माहिर था, एक दूसरे पर ब्लेम करने में, हमेशा दूसरों की टांग खींचने में वो ऑफिस मशहूर होता जा रहा था। तब उस ऑफिस में किसी ट्रेनर, किसी काउंसलर द्वारा ये ट्रिक अपनाई गई थी और उसके बाद उस ऑफिस में सब कुछ बदल गया और सभी ने अपनी जिम्मेवारी संभाल ली और ये जान लिया कि हमें रोकने वाला कोई और नहीं। ये घटना ऑफिस की नहीं है, ये हर घर की घटना है, हर इंसान की पर्सनल लाइफ में भी ये घटना पूरी तरह से लागू होती है। तो हम जब किस्मत को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, जब भगवान को दोष देते हैं, जब दूसरे लोगों को दोष देते हैं, माता पिता को दोष देते हैं, दोस्तों को दोष देते हैं, अपनी आदतों को दोष देते हैं, तो समझ लें कि हम भी उसी ऑफिस वाले भंवर में फंसते जा रहे हैं। तो हम देखें कि हमें रोकने वाला, हमारे मार्ग में रोड़े अटकाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं। खुद की हमारी धारणाएं हैं, खुद की हमारी थिंकिंग है, खुद के हमारे बिलीफ सिस्टम हैं, खुद की हमारी कंडीशनिंग है, खुद की हमारी बनाई हुई दुनिया है, खुद का हमारा ईगो है। तो इस चीज़ को हम समझें और इस पर काम करें, तब तो हम भी एक हसीन और बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो पहला कदम ये है कि इस वीडियो को कम से कम अपने WhatsApp ग्रुप और Facebook तो जहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे समाज में, दूसरे लोगों में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। आपने इतनी धैर्य और सहनशीलता से इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।